गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई लवली किड्स. टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 1 हुज टाइटल इज द लेजी फ्रॉग, एक आलसी मेंढक. ठीक है, दिस पोयम इज अबाउट ए लेजी फ्रॉग हुज नेम इज फ्रेड एंड ही इज वेरी लेजी. ही ऑलवेज स्टे इन ए काम प्लेस एंड इवन वैन हीज मदर कॉल्स हिम ही नेवर get up and remains in the same place. So this poem is about a lazy frog. Let us start. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with your friends. कि एक स्कूल के दिन में तुम बिजी होते हो पढ़ने में, खेलने में और बातें करने में अपने फ्रेंड्स के साथ. When you have a holiday from school, what do you do? कि जब तुम्हारा स्कूल से हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है स्कूल से, तुम क्या करते हो? वट वुड यू बिहेव ए लिटिल लाइक द फ्रॉग, कि इन द फॉलोइंग पोएम, कि तुम एक क्या लगभग लिटिल का मतलब थोड़ा सा उस फ्रॉग की तरह बिहेव करते हो जो इस नीचे दी गई पोएम में है, मतलब आगे आने वाली पोएम में है, क्या वैसा बिहेव करते हो? अगर ऐसा करते हो तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो एक लेजी फ्रॉग है और वो किसी की हेल्प नहीं करता है, पड़ा रहता है एक ही जगह पे. ठीक है, और लेजी होना अच्छी बात नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है. ठीक है, अगर हम लेजी होंगे तो धीरे धीरे हम हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे और हम बीमार हो जाएंगे धीरे धीरे. ठीक है, इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना, हार्डवर्क करना ज़रूरी है. ठीक है, फ्रेड इज़ ए वेरी लेजी फ्रॉग. फ्रेड एक बहुत ही लेजी फ्रॉग है. हु लोल्स ऑल डे अपॉन ए लॉग. लोल्स का मतलब है रेस्ट लेजीली, कि वो क्या है, आराम से मतलब पड़ा रहता है. ऑल डे मतलब पूरा दिन, किसके ऊपर, एक लट्ठे के ऊपर, पूरा दिन वो एक लट्ठे के ऊपर, लकड़ी के लट्ठे के ऊपर पड़ा रहता है. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क. शर्क का मतलब है जी चुराना, टू अवॉइड टू डू वर्क, मतलब एक काम करने से बचना. ठीक है, वह हमेशा मैनेज कर लेता है किसी से, काम से जीव चुराने के लिए किसी से, कौन से, किस काम से. डूइंग ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करने से भी वो बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है. His poor old mother calls, उसकी बेचारी बूढ़ी माँ बुलाती है in vain, मतलब बेकार है, उसको बुलाना बेकार है, उसकी बूढ़ी माँ का उसको बुलाना बेकार है. Come in and help, वो ऐसे बुलाती है उसकी मदर कि आओ, अंदर आओ और हेल्प करो. ठीक है, He does not bother, लेकिन क्या है, He does not bother मतलब वो परवाह नहीं करता है. ठीक है, To move 2 inches मतलब इसका मतलब है टस से मस नहीं होता है, मतलब जरा सा भी हिलता नहीं है वो. मच प्रेफरिंग, इसकी बजाय वो क्या पसंद करता है, लाइकिंग मोर मतलब ज़्यादा पसंद करता है किस चीज़ को, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, वो कैसा दिखावा करता है कि उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब वो बहरा है, ऐसा वो ऐसा बिहेव करता है, मतलब ऐसा दिखाता है कि वो बहरा है. He lies there in a silent heap. वो हमेशा एक शांत, साइलेंट का मतलब शांत ही, मतलब ढेर में पड़ा रहता है. And stays conveniently asleep. और conveniently का मतलब आराम से. ठीक है, आराम से सोया रहता है वहाँ पे, एक ही जगह पे. स्टेज का मतलब एक ही जगह पे रहना, पड़े रहना, एक ही जगह पे continuously stay करना. इफ़ ए लेडी मतलब एक ही जगह पे वो सोए रहता है. इफ़ ए लेडी फ्रॉग हॉप्स, अगर एक लेडी फ्रॉग भी हॉप मतलब जंप करते हुए पास का मतलब उसके पास से गुजरती है. यू वुड थिंक, तुम सोचते होगे, ही वुड गेट अप एट लास्ट, कि वो आखिरकार उठ जाता होगा. टू बो नतमस्तक होने के लिए एंड हेल्प आर ओन हर वे, और उस लेडी की उसके रास्ते में हेल्प करने में. बट नो, लेकिन नहीं, आई एम असेम टू से, मुझे ये कहने में शर्म आती है कि दैट व्हेन ए लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि एक लेडी फ्रॉग भी उसके पास से गुजरती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, तो वो एक भी आँख नहीं खोलता है, मतलब वो इतना लेजी है
कि अगर कोई लेडी फ्रॉग भी उसके पास से गुजरती है तो वो उठता नहीं है, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए नहीं उठता है, तो इतना लेजी है वो, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, हमें लेजी नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्टोरी है एक लेजी फ्रॉग के बारे में, पोएम है। चलिए लेट अस डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। लेट अस स्टार्ट। हार्ड डिफिकल्ट वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज लॉल्स। लॉल्स मीन्स रेस्ट लेजीली, कि आराम से एक ही जगह पे पड़े रहना, सुस्ती में पड़े रहना। लॉग, ए पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का लट्ठा। शर्क, अवॉइड टू डू एनी वर्क, किसी काम से ची चुराना, जी चुराना। प्रेफरिंग, लाइकिंग मोर, किसी काम को ज़्यादा पसंद करना, ठीक है, उसको क्या काम करना ज़्यादा पसंद था, आराम से पड़े रहना, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब डीफ, डीफ का मतलब बहरा। बो मतलब बैंड लो, कि नीचे झुकना, मतलब नतमस्तक होना। स्टेज कंटिन्यूस इन द सेम प्लेस, कि एक ही जगह पे रहे रहना, पड़े रहना। तो दैट्स ऑल, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। एंड विद दिस द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इज ओवर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।